अभी तक हम जो स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड जो बेसिक बेसिक्स थे उसको हम कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि आप किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम का आप एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करोगे। देन हमने देखा कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान है, बोस इंस्टीन है, और आपका जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, उसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा पार्टिकल्स का। फिर हमने जो मोस्ट प्रोबेबल है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो क्या आपका यू कैन से जो मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का उसको आगे लेके जाएंगे कि क्या क्या नई चीज़ें उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमने देखा था कि जो आपका स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक तरीके से इक्विवेलेंट होता है उसके, कि आप थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए। सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी हैं, जैसे जो आपका इंटरनल एनर्जी है, और स्पेसिफिक हीट है, और भी कई ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंट्रोपी हम देख चुके हैं पहले कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पीछे जो एंट्रोपी के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट किया था वो कैसे किया था। हमने देखा कि जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, एन फैक्टोरियल जी आई टू द पावर एन आई डिवाइडेड बाई आपका होता है एन आई फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका जो रिपीटेड आपका मल्टीप्लिकेशन है उसका साइन होता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। हमने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए एक रिलेशन भी चेक किया था कि जो आपका एन आई डिवाइडेड बाई आपका जो जी आई है वो इज़ इक्वल टू होता है आपका एक्सपोनेंशियल नेगेटिव इधर आपका अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से आता है। अगर हम इसको ध्यान से चेक करें देन क्या हो सकता है कि एन आई जो है आपका वो इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है जी आई। अगर मैं एक्सपोनेंशियल इस टर्म को कुछ इस तरीके लिख दूं कि एक्सपोनेंशियल जो आपका माइनस अल्फा है इनटू जो आपका एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। हमें पता होता है कि जो समेशन जो एन आई है वो इज़ इक्वल टू कैपिटल एन हो जाता है। इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है एक्सपोनेंशियल, ये जो माइनस अल्फा है ये आपका कॉन्स्टेंट है, देन बची हुई क्वांटिटी का मुझे क्या करना पड़ेगा समेशन करना पड़ेगा, देन मेरे पास आ जाता है जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। ये जो क्वांटिटी आई थी इसको हमने बोला था ये जो है वो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है जेड। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एन डिवाइडेड बाई जो जेड है वो इज इक्वल टू आपका आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा। यहाँ से माइनस अल्फा की वैल्यू है वो अपन यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। अगर इसका दोनों तरफ अगर हम नेचुरल लॉग ले लें देन ये अपने पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है एन फैक्टोरियल, तो ये आता है एल एन एन फैक्टोरियल। प्लस में आपका आ जाता है एल एन लेगमा देन मेरा एन आई बाहर आ जाता है आपका। और एल एन जी आई। यहाँ से आपका समेशन होता है बिकॉज रिपीटेड जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका समेशन में चेंज होता है। माइनस में यहाँ पर एल एन एन आई फैक्टोरियल होगा। और स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन होता है वो क्या कहता है कि जो आपका यू कैन से एल एन एन फैक्टोरियल है उसको आप लिख सकते हो एन एल एन एन माइनस में एन, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको लिखते हैं कि जो आपका एल एन ओमेगा है देन वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है
एन एल एन एन ओके माइनस में एन, उस तरीके इसमें क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, इसको एज इट इज पढ़ने देते हैं, एन आई एल एन जी आई माइनस इसका करेंगे देन इसका क्या आ जाएगा, एन आई एल एन एन आई ओके प्लस, बिकॉज माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस एन आई। अगर मैं समेशन एन आई चेक करूँ देन समेशन एन आई जो है वो मेरा कैपिटल एन के इक्वल होता है, ये प्लस है ये माइनस है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ओके। देन मेरे पास जो आपका एल एन जो ओमेगा है वो आपका कितना आ जाता है, एन एल एन एन प्लस, यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर इस टर्म में एन आई कॉमन आ जाता है ओके। देन मैं क्या लेता हूँ, एन आई कॉमन आ जाता है ओके। देन इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन जी आई डिवाइडेड बाई एन आई ओके। अगर हम इसकी जगह जी आई डिवाइडेड बाई एन आई है ये, इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू क्या होती है कि जो यू कैन से जी आई डिवाइडेड बाई एन आई है वो इज इक्वल टू, हमने देखा था कि वो कितना होता है आपका एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस में बीटा, ये होता है ओके। और यहाँ से अपने को जो वैल्यू है यहाँ से एक मिलेगी, कौन सी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल अल्फा, इसके देखते हैं कितना आता है एक्सपोनेंशियल अल्फा। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ देन ये मेरा z डिवाइडेड बाई n हो जाता है, z डिवाइडेड बाई n, और ये कितना हो जाता है मेरा एक्सपोनेंशियल यहाँ से कितना बीटा ही आई ओके। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे दोनों साइड एक तरीके से लोग ले लेते हैं, देन ये जो एल एन है, एल एन जो भी क्वान्टिटी है जी आई डिवाइडेड बाई एन आई वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है एल एन जेड ओके माइनस में एल एन कैपिटल एन ओके माइनस माइनस नहीं प्लस, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में यहाँ से कितना आता है एक्सपोनेंशियल बीटा ई आई, इसका वैल्यू हो जाती है बीटा ई आई ओके। अब यहाँ से इसके वैल्यू पुट करते हैं ओके, यहाँ से आ जाता है हमारे पास एल एन जो ओमेगा है वो इज इक्वल टू एन एल एन एन प्लस में, अब यहाँ से एन आई है, एन आई की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे समेशन है बिकॉज तो ये समेशन में चल रहा है मामला, इधर यहाँ से आ जाता है आपका एन आई मल्टीप्लाई बाई एल एन जेड माइनस एन आई एल एन एन ओके प्लस में आपका एन आई ई आई बीटा ओके। ये समेशन में ये वाली टर्म, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ एन एल एन एन, और यहाँ पे चेक कीजिए एन आई एल एन एन, ये वाला जो है ये कॉन्स्टेंट है आपका ओके, ये आगे टर्म नहीं है ओके। यहाँ पर एल एन एन कॉन्स्टेंट है, एन आई का समेशन करूँगा ये कैपिटल एन हो जाता है ओके। देन ये वाला जो टर्म है, देन ये वाला जो टर्म है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ओके। यहाँ से अपने को क्या मिलता है कि जो एल एन ओमेगा है वो इज इक्वल टू होता है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ से एन आई, एन आई को करूँगा देन ये कैपिटल एन हो जाता है ओके, एल एन जेड ओके प्लस एन आई का क्या हो जाता है कैपिटल एन, सॉरी एन आई ई आई, दो टर्म्स हैं। हमने देखा था कि जो आपका समेशन एन आई है वो तो कैपिटल एन होता है, बट एन आई इंटू ई आई है वो इज इक्वल टू आपका जो इंटरनल एनर्जी है, या बोल सकते हो जो उसका एनर्जी है, एक तरीके से एनर्जी ही उसका इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का ओके। सो वो इस टर्म के इक्वल हो जाता है। देन अपन इसको लिख देते हैं कि जो आपका यू इंटू बीटा ओके। अब यहाँ से हमें पता है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, ये हमने रिलेशन निकाला था, ये होता है आपका एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा ओके। यहाँ से जस्ट के बी का मल्टीप्लाई करना है तो स्पेसिफिक हीट में रह जाएगा, देन क्या आएगा एन के बी एल एन जेड प्लस में आपका हो जाता है यू इंटू, यहाँ पर क्या जाता है एन
बीटा, ओके बीटा जो था हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, बीटा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आपका के बी टी होता है, ओके अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ देन मेरे को मिलता है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है, जो आपका सॉरी एंट्रोपी है, एस एंट्रोपी, वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ से एन के बी एल एन जेड, सॉरी सॉरी यहाँ पर आपका के बी आता है, ओके यहाँ पे यू सो यू डिवाइडेड बाई टी हो जाता है, ओके सो इस तरीके से ये हमारा हमने पहले भी इस ये रिलेशन था जो ये रिलेशन हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, बस एक बार हमने ओवरव्यू चेक कर लिया कि कैसे ये रिलेशन था वो कैसे हमने फाइंड आउट किया था, ओके सो ये तो बात आ गई आपकी जो एंट्रोपी थी उसके लिए कि जो आप एंट्रोपी है वो रिलेशन इस तरीके से आ सकता है, बट हमें ये देखना है कि एंट्रोपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमें जो z है इट मीन्स जो पार्टीशन फंक्शन है उसका जरूर जरूर पड़ेगा, इट मीन्स कि जो पार्टीशन फंक्शन हमने देखा था कि ये आपका एक तरीके से मैथमेटिकल टूल है जो भी थर्मोडाइनमिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, सो वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ z क्या था वो हमें ज़रूर पड़ने वाला है, ओके अब जो एंट्रोपी है उसके अलावा भी कई थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम देखते हैं कि उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक होता है आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ओके सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपका F है इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में देखा भी है कि कैसे ये रिलेशन आते हैं, F इज इक्वल टू जो है वो आपका होता है कि F इज इक्वल टू U माइनस T डेल्टा S, या फिर आपको ओनली इस यहाँ पर S लिख सकते हो TS, ये आपका एक तरीके से हेल्महोल्ट्ज को रिप्रेजेंट करता है फ्री एनर्जी, ओके अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सो जो एफ है वो इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमें नहीं पता बट हम यहाँ पर वैल्यू ऐसे जस्ट लिख देते हैं यू माइनस, अब एस को टी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है एन के बी टी एल एन जेड प्लस में यहाँ पर यू बिकॉज टी का मल्टीप्लाई करेंगे यू, अब यू यू से कैंसिल हो गया, इट मीन्स जो आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो होता है एन के बी टी एल एन जेड, ओके अब हमें जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो हमें पता लग गया, ओके अब यहाँ से क्या हम इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे पहले हम देखते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मींस जो आपका डेल्टा वी है वॉल्यूम में चेंज वो आपका ज़ीरो है, देन उस केस में एक थर्मोडाइनमिक रिलेशन होता है कि जो आपका डेल्टा एफ है वो इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस टी एस, ओके यहाँ से अगर हम चेक करें देन जो आपका यू कैन से एंट्रोपी है वो आपका यहाँ से निकल के आता है कि डेल एफ डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा टी नेगेटिव साइन और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए देन आपका नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ से हम एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका एंट्रोपी होता है एस वो इज इक्वल टू हो जाता है माइनस नेगेटिव साइन इट मींस पॉजिटिव कर दें उसको डेरिवेटिव करना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर यहाँ से करते हैं देन ये क्या हो जाए एन के बी पहले टी के रिस्पेक्ट में करते हैं एन के बी एल एन जेड हो जाता है प्लस यहाँ से एन के बी टी एल एन जेड का करूँगा देन डिवाइडेड बाई जेड और एल एन जेड जेड का करेंगे देन डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट और नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट, ओके यहाँ से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी, तो इस रिलेशन से चेक करते हैं कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होगा
वो इज इक्वल टू एफ प्लस में टी एस हो जाता है। ओके, यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है एन के बी टी एल एन जेड। यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करना है एस को, सो इस क्वांटिटी के करूँगा देन ये हो जाता है एन के बी टी एल एन जेड, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी। इस क्वांटिटी में मैं करूँगा देन ये मेरा हो जाता है एन एन के बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है जेड, देन डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, सो ये जो रिलेशन है ये आपका इंटरनल एनर्जी के लिए एक रिलेशन आ जाता है। ओके, अब जो स्पेसिफिक हीट है सिस्टम का उसको आप कह सकते हो कि जो आपका यू कैन से स्पेसिफिक हीट को सी वी से रिप्रेजेंट कर दो। सी वी इज इक्वल टू आपका हो जाता है कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी है, वो आपका स्पेसिफिक हीट हो जाता है। ओके, वो आप जस्ट डायरेक्टली डेरिवेटिव करके इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सिस्टम। ओके, अब जो प्रेशर है, ओके, वो प्रेशर है वो आपका इक्वल होता है कि आपका जो डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू आपका जो वॉल्यूम है वो। ओके, ये आपका प्रेशर निकल के आता है, ये जस्ट एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। आप थर्मोडायनेमिक्स में चेक करते हो कि चेक कर सकते हो कि ये रिलेशन कैसे आता है। ओके, अब हमें पता है कि जो एफ है वो इज इक्वल टू आता है आपका माइनस के बी टी एन एल एन जेड। ओके, यहाँ से अगर हम इसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं देन अपने को क्या मिलता है, के बी टी एन। ओके, और एल एन जेड का करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है तो इसी का करना पड़ेगा, एल एन जेड में जेड का डिवाइड और डेल जेड डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा बी। ओके, एक आता है आपका केमिकल पोटेंशियल। ओके, जो केमिकल पोटेंशियल है आपका वो आपका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इट मींस कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो डिपेंड करेगा कि कितना उसका केमिकल पोटेंशियल होगा। ओके, सो यहाँ से हम देखेंगे कि जो आपका केमिकल पोटेंशियल है म्यू वो इज इक्वल टू हो जाता है आपका डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा एन। अगर यहाँ से चेक करें देन अपने को क्या मिलता है, इसकी जो वैल्यू है वो मिलती है के बी टी एन के रिस्पेक्ट में करना देन ये एल एन जेड, तो ये क्या हो जाता है आपका के बी टी एल एन जेड। सो यहाँ से जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी निकल जाता है। ओके, सो हमने अभी तक ये जो हेलम होल्टर्स फ्री एनर्जी है ये फाइंड आउट किया, एंट्रोपी फाइंड आउट किया, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया, प्रेशर, देन केमिकल पोटेंशियल, फिर स्पेसिफिक हीट। सो अगर हम चेक करें इन सभी फॉर्मूलेज में सो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें जेड पता चल जाए, जेड अगर हमें पता चल जाए, जेड क्या होता है, जेड आपका होता है समेशन जी आई एक्सपोनेंशियल बीटा यही। ओके, ये जो है ये आपका होता है आपका पार्टीशन फंक्शन। ओके, सो पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से अपन इन सभी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट करें, जस्ट इनकी वैल्यू पुट करें और ये हमें सारी जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं वो हमें मिल जाएगी। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें वन लेवल सिस्टम दिया हुआ, इट मींस जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपके सिर्फ एक ही हैं, इट मींस जो अगर आप पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करोगे देन उसमें समेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू आती है। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें एनर्जी है उस लेवल का वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम वी है, वी नोट आपका कॉन्स्टेंट है, वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, देन हमें
प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सिस्टम फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं पार्टीशन फंक्शन। सो जो जेड है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है समेशन जी आई और एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस बीटा ई आई। ओके, यहाँ पे ये यू कैन से सिंगल एनर्जी लेवल है, सो इट मींस यहाँ पर समेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम अज्यूम करते हैं कि जो इसके अंदर जो यू कैन से सब लेवल्स हैं उसका नंबर भी वन है। ओके, देन इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, हमारे पास ये क्वांटिटी बची। ओके, देन इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं हमारी जो एनर्जी की है इस, बिकॉज इसमें ई वन ही होगा। ओके, देन ये जो हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया, ओके नेगेटिव बीटा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या हो जाते हैं पॉजिटिव। ओके, ये हो जाता है आपका बीटा के बी टी, ओके एल एन और वी डिवाइडेड बाय वी नॉट। ओके, बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के बी टी होता है, तो वन अपॉन के बी टी करूँगा, देन ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ ये बचा। सो जो हमें पार्टीशन फंक्शन है वो हमें मिलता है एक्सपोनेंशियल एल एन वी डिवाइडेड बाई वी नोट। ओके, अब यहाँ से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा प्रेशर के लिए। जो प्रेशर है आपका वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है डेल्टा वी। ओके, यहाँ से डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा वी का अगर डेरिवेटिव करते हैं, एफ अपने को पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी एन के बी टी एल एन जेड होता है। ओके, यहाँ से अगर हम करेंगे देन अपने को मिलता है ये के बी टी एन डिवाइडेड बाई जेड, और यहाँ पर आ जाता है डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एक बार हम इसको कन्वीनियंस के लिए एक बार यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आप लिख देते हो एल एन जेड। ओके, सो हमें इस वाली टर्म की वैल्यू चाहिए, जेड हमारे पास है। ओके, अगर मैं एल एन जेड लेता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है, एल एन जेड है। अगर मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ देन एक्सपोनेंशियल है, ये टर्म आगे आ जाती है, इट मींस ये जो है वो आपका एल एन वी माइनस एल एन वी नोट ये बन जाता है। अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आपका वॉल्यूम, देन ये क्या है, ये आपका हो जाता है डेल्टा 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 एल एन जेड डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाता है वन अपॉन वी, और वी का क्या है देन वन, ये कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू जीरो, इट मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू वन अपॉन वी आ जाती है। देन जो आपका प्रेशर एग्जर्टेड बाई द सिस्टम है वो आपका आ जाता है के बी टी एन डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम आ जाता है। ओके, सो ये आपका प्रेशर आ जाता है, ये आपका आ जाता है जो पार्टीशन फंक्शन है वो। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें एन पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है। ओके, और हमें दो एनर्जी लेवल्स हैं, जिसकी फर्स्ट एनर्जी जो आपका लेवल है उसकी वैल्यू जीरो है, देन सेकंड की जो आपकी एनर्जी है वो ई है। हमें फाइंड आउट करना है कि उस सिस्टम के लिए आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होगा, देन उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा। इंटरनल एनर्जी के लिए हमने एक यू कैन से हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि इंटरनल जो एनर्जी है वो आपका जेड से निकाला जा सकता है। ओके, वो हमने निकाला था कि ये जो वैल्यू है वो आपकी एन के बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड और डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, समथिंग कुछ इस तरीके से हमने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ओके, बट ये जो मेथड है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा ये कैसे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या है। पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन आपका जी आई एक्सपोनेंशियल आपका माइनस बीटा ई आई। यहाँ से अगर हम समेशन करते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो की वैल्यू वन होती है, इट मींस वन। ओके, देन वन प्लस आगे आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल, और जी आई की वैल्यू हमेशा वन होगी इस केसेस में। ओके,
अगर हमें स्पेसिफाई किया जाए कि जी आई की वैल्यू ये है, देन हम वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आई आई, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा ई सेकंड के लिए, और आगे एनर्जी लेवल्स हैं नहीं, इतने ही हैं। ओके, सो ये हमारा आ जाता है पार्टीशन फंक्शन। ओके, अगर इस पार्टीशन फंक्शन का हम अगर डेरिवेटिव करें या इस फॉर्मूले से करें, देन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई अगर इसको करें, देन अपन कह सकते हैं कि जो आपका यू कैन से जो आपका इंटरनल एनर्जी है, ओके, वो आपका किसके इक्वल होगा, कि अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो फर्स्ट सिस्टम का, कि फर्स्ट सिस्टम का प्रोबेबिलिटी कितना है। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, आप पार्टिकल्स बोलो, कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में N1 पार्टिकल है, सेकंड में आपके N2 हैं। ओके, इसका आप इसकी रिस्पेक्टिव एनर्जी से कर दो। ओके, देन अपने को जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो मिल जाएगी। यहाँ से अपन कह सकते हैं जो U है ना, वो आपका N2E होगा, बिकॉज ये तो E तो जीरो ही है। N1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, N1 के लिए होता है कि आपका जो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ही कह सकते हो, N1 जो है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल कितने हैं इनटू P1, इट मींस प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो पार्टिकल फर्स्ट एनर्जी लेवल में हो, उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, देन हमारे पास वो जो ऑक्यूपेशन नंबर है वो आ जाता है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपका P1 है, P1 क्या होता है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, वो तो अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में अपन वो लिखते हैं कि उस क्वांटिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, देन अगर मैं P1 अगर निकालूंगा, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, जेड, 1 डिवाइडेड बाई जेड। अगर मैं P2 फाइंड आउट करूँ, देन वो कितना हो जाए, कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना। सो ये क्या जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जेड डिवाइडेड बाई आपका बीटा ई, सॉरी डिवाइडेड बाई आपका जेड हो जाता है। ओके, सो यहाँ से अगर हम जो आपका इंटरनल एनर्जी है उसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, देन आपका जो वैल्यू है वो हो जाता है आपका, अब यहाँ से N2 फाइंड आउट करूँगा, देन NP2, देन NP2 कितना हो जाता है, N एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बीटा ई, बीटा ई को क्या लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाई KBT। ओके, डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस ई डिवाइडेड बाई आपका KBT। ओके, इनटू आपका एनर्जी भी होता है, बिकॉज N2E फाइंड आउट करना है ना अपने को। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। अगर इस वैल्यू को ध्यान से चेक करूं, अगर मैं कह दूं कि जो आपका ई डिवाइडेड बाई आपका KB है, उसको अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं या फिर क्यू एज्यूम कर लूं, देन ये जो क्वांटिटी है ये आपकी हो जाती है क्यू डिवाइडेड बाई टी। वैसे ही ये जो क्वांटिटी है ये भी आपकी हो जाती है क्यू डिवाइडेड बाई टी। सो अगर मैं कह दूं कि आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत छोटा है आपके क्यू से, इट मीन्स लो टेम्परेचर रेंज। लो टेम्परेचर रेंज में अगर हम चेक करें, ये वाली क्वांटिटी है ये भी बहुत कम हो जाएगी। ओके, ये वाली भी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से बहुत छोटी हो जाएगी। ओके, ये वैनिश ही हो जाएगा एक तरीके से, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो। सो यहाँ से अपने को जो सॉरी एक बार इसको नहीं, ओके सॉरी, वेनिस हो जाता है। वेनिस होने के बाद अपने को क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी जीरो। ओके, इंटरनल एनर्जी जीरो मिल गई। अगर जो आपका टेम्परेचर है अगर वो इससे ज़्यादा होगा, इट मींस जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो 1 के इक्वल हो जाती है, देन ये अपने को इंटरनल एनर्जी मिलती है E N/2, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल, बिकॉज वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई टी है वो ज़्यादा हो जाती है। देन जो अपन एक्सपेंड करेंगे इसको टेलर सीरीज से, उसके हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1 होगी। देन 1 1 2,
तो ये ई एन डिवाइडेड बाई टू, ये तो आ जाती है एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी। अगर हम पार्टिकल्स को भी अगर देखें देन जो प्रोबेबिलिटी अगर आप एक तरीके से कह सकते हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो फर्स्ट के लिए क्या हो जाते हैं, एन इंटू पी वन, ओके, या फिर इसको आपको एन डिवाइडेड बाई जेड भी बोल सकते हो, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ देन जेड अगर लो टेम्परेचर रेंज के लिए है देन जो जेड है वो मेरा किसके इक्वल हो जाता है, वन के इक्वल। इट मीन्स ये जो है वो आपका एन के इक्वल हो गया। इट मीन्स जितने भी पार्टिकल हैं वो आपके लो एनर्जी लो टेम्परेचर पर आपके सभी के सभी आपके ग्राउंड स्टेट में होते हैं, या जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो आपकी पॉसिबल है उसके अंदर होंगे, जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी वो भी आपकी ज़ीरो हो जाती है। अब जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन की बात करूँ कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है देन उस कंडीशन में हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। तो 1 1 2, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये हो जाती है आपकी एन डिवाइडेड बाई आपकी टू। इट मीन्स जो पार्टिकल हैं वो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाते हैं, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, हमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना था। सो ये इसका इंटरनल एनर्जी आ जाता है, ओके।